क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। a = -k5/4, r = t2/t1, r t2 की वैल्यू 5/16 रख दी, t1 की वैल्यू -k5/4 रख दी, 5/16 इसको लिखेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बराबर में जाके इनटू में 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4, 4 4 से 16, r की वैल्यू आ गई -k1/4। इस फार्मूले में a की वैल्यू -k5/4, r की वैल्यू -k1/4 रखेंगे, -k5/4 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/4, 4 1 जा 4 और 1 5, 5/4 आ गया, इससे कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई -1, s इंफिनिटी इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कॉमन रेशियो ऑफ gp इज इक्वल टू -k4/5, यानी r की वैल्यू -k4/5 दे रखी क्वेश्चन में। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म यानी कि s इंफिनिटी कितनी दे रखी, 8/9, फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि a आपको निकालना है। क्या निकालना है इसमें, a निकालना है। अब फॉर्मूला लगाओगे s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r, s इंफिनिटी जगह लिखेंगे 80/9, यहां लिखेंगे a/r की वैल्यू -k4/5, ये यहां पे 80/9 और ये देखिए यहां पे a और यहां पे 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 4 9/5 आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बराबर में जाके, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 80/9 a into 5/9, 9 से 9 कैंसिल, 80 is equal to a into 5, a is equal to 80/5, 5 से 80 को कैंसिल करेंगे, 16 आ रहा, a is equal to 16। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें 9 की पावर में सीरीज दे रखी, इस पर टोटल इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि इसके बराबर 3 के इक्वल, तो प्रूव दैट दिस सीरीज इज इक्वल टू 3, तो इसमें 9 की पावर ये सारी प्लस हो जाएंगी, प्लस कर दी हमने, फिर ये फार्मूला लगाया इसमें, इस सीरीज की ये ऊपर जीपी बनी हुई है, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म तो है a 1/3 और r की वैल्यू निकाल लेंगे t2/t1 कर गए, t2 इसका 1/9 है, t1 इसका 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, s इंफिनिटी वाला फार्मूला लगेगा a/1 - r, तो देखिए a की वैल्यू 1/3 और 1 माइनस r की वैल्यू भी 1/3, 1 - 1/3 ये हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर 1/2 आएगा और 9 को लिख देंगे 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 3, तो लेफ्ट हैंड साइड ले गए चले थे, वैल्यू कितनी आई 3, तो RHSB की कितनी है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया 9 पे, इन ए जीपी a1 इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 96, sn इज इक्वल टू 189, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी, n निकालना, तो a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो उसको आप a भी कह सकते हैं, an का मतलब है आपका 96 यानी कि nth टर्म, और sn है आपकी सम ऑफ nth टर्म, तो हमने एक फार्मूला लगाया पहले an का, an इज इक्वल टू a r की पावर n-1, an की वैल्यू लिखेंगे हम 96, a की वैल्यू लिखेंगे 3, r की पावर n-1, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा इससे काट के 32 और ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब sn का फार्मूला लगाएंगे, 189 लिखेंगे sn की जगह, a की जगह क्या लिखेंगे 3, और ये जो हमारा r की पावर n है इसको हमने तोड़ दिया r की पावर n-1 इंटू r में, और r की पावर n-1 की डायरेक्ट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे 32, तो 32 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया r और 1 एज इट इज, r माइनस 1 एज इट इज, तो अब इसके बाद में हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 189 की r में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ की 189 r, 189 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सोल्व करके r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, तो r की वैल्यू जो हमारी 2 आई वो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ r की जगह रखेंगे 2, तो ये जो 32 है इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसको लिखेंगे 2 की पावर n-1, दोनों तरफ हम पावर को कंपैरिजन कर देंगे तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, दैट्स ऑल। अब आप इसको एक क्वेश्चन को करिए 12.6 के, और जैसे जब आप पढ़ेंगे मोबाइल से तो अपनी आंखों को अपनी मोबाइल से कम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए और कंटिन्यूअसली अपने काम करते रहिए। थैंक यू।